तो आज हम करेंगे यूज़र फॉर्म और VBA में यूज़र फॉर्म, जैसे कि हम इसमें ये हमारी प्रोजेक्ट बुक है और यहाँ से जैसे मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं तो यूज़र फॉर्म भी वैसे ही करते हैं। ठीक है जी, मैं यूज़र फॉर्म इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म वन के नाम से आ रहा है। ठीक है, ये टूल बॉक्स होता है आपका। ठीक है, तो आप यूज़र फॉर्म को बड़ा छोटा जैसा रखना है वैसा कर सकते हैं। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये यूज़र फॉर्म जो है ये आपके डायलॉग बॉक्सेस होते हैं बेसिकली, तो मैं चाहता हूँ कि जो लॉगिन के लिए मैंने बनाया था कल आपको इवेंट पे दिखाया था वो यूज़र फॉर्म के थ्रू हो, है ना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं एक शीट का नाम रख देता हूँ डेटा। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम शीट डेटा, ये है हमारी। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो होता है विजिबल का जो ऑप्शन आता है ना, इसमें होता है एक्सेल वेरी हिडन। वेरी हिडन फॉर्मेट क्या होता है कि आप जब हाइड कर दोगे तो यहाँ से अनहाइड नहीं होगा, सिर्फ VBA से हो सकता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन बनाऊँ और जिससे लॉगिन डलवाऊँ। ठीक है, तो मैं बटन बना देता हूँ डेवलपर टूल बार से। ये मैंने कंट्रोल्स होते हैं हमारे पास इंसर्ट में, तो एक फॉर्म कंट्रोल होते हैं, एक एक्टिव एक्स कंट्रोल होते हैं। ये एक्टिव एक्स कंट्रोल जो है हमारे VBA वाले हैं सारे। तो मान लीजिए ये बटन लगा दिया, इस बटन का फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पे कोडिंग कर सकता हूँ इस पे डबल क्लिक करके डायरेक्ट। प्रॉपर्टीज़ में इसका नाम वगैरह बदल सकता हूँ मैं, तो कमांड बटन वन इसका नाम है। तो नाम तो यही रहेगा जिससे ये VBA में एक्सेस होगा, चाहे तो वो भी बदल सकते हैं। और कैप्शन वो है कि क्या आप इस पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक लॉगिन का मैंने बटन बनाया है और इसकी कोडिंग पे जाता हूँ मैं, ये डबल क्लिक करूँगा तो ये कोडिंग खुल जाएगी मेरी। ठीक है, उसी शीट पे कमांड बटन वन क्लिक इवेंट आ जाएगा। ठीक है जी, किक हुआ, डबल क्लिक हुआ, फोकस हुआ, ये तो इस इवेंट पे अभी हम कोड करेंगे, पर यूजर फॉर्म को पहले बना लेते हैं। तो यूजर फॉर्म में गए, हमें क्या करना है, ये लेबल होते हैं, लेबल आपके लिखने के काम आते हैं कि क्या डालना है, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, हाँ ये हमें कब मिलेगा इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले हमें चेक करनी पड़ेगी, वहीं से हम चेंज कर सकते हैं। यूज़र फॉर्म में सब कुछ प्रॉपर्टीज़ से हैंडल होता है। तो व्यू प्रॉपर्टी विंडो, ठीक है, इसका नाम लेबल वन है, लेबल वन के नाम से VBA में एक्सेस होगा। कैप्शन में मैं डाल देता हूँ यूज़र नेम। ठीक है जी, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स जिसमें कि यूज़र हमारा एंट्री करेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, टेक्स्ट बॉक्स वन है, मैं इसको कर देता हूँ UID, इसका नाम लिख देता हूँ ताकि VBA में UID के नाम से एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये दोनों कॉपी कर लेता हूँ और सेम वैसे ही पेस्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड के लिए थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, ये लेबल टू आ गया। ठीक है, कैप्शन जो है वो रहेगा पासवर्ड। ठीक है जी, कैप्शन पासवर्ड हो गया, और उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं कर देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स मैंने PWD कर देता हूँ, तो ताकि PWD के नाम से इसको एक्सेस कर सकूँ VBA में। और इसका जो हो गया कैप्शन, PWD के कैप्शन तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, इनको जैसे अभी कभी अलाइन करना हो आपने तो इनको ऐसे क्लिक करके आप अलाइन कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट का है। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को अलाइन कर लेता हूँ कंट्रोल के ज़रिए। कंट्रोल से ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, अब ये दोनों को अलाइन कर दूँगा लेफ्ट में। ठीक है, ये लेफ्ट में पूरे अलाइन हो गए।
और उसके बाद इन दोनों को कर देता हूँ राइट अलाइंड, राइट। तो ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। ये माउस से नहीं होगा, ये आपको कर्सर से ही करना, ये माउस से ही करना पड़ता है, एरो कीज से नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद इसमें है मेरे पास एक बटन ले लेता हूँ, ये कमांड बटन। तो कमांड बटन मैंने चिपका दिया और इसका कैप्शन कमांड बटन वन है, इस पर मैं कर देता हूँ लॉग नाम से बना देता हूँ, ठीक है। लॉग इन कर देता हूँ इसका नाम, लॉग इन के नाम से ये मेरा बटन हो जाएगा। कैप्शन जो इस पर दिखाना है मैं इस पर लॉग इन कर देता हूँ, लॉग इन, ठीक है। अब पहली चीज़, यहाँ पे तो यूज़र आईडी नॉर्मल एंटर होगी, यहाँ पे पासवर्ड एंटर होगा, तो वो स्टार स्टार करके एंटर होता है ना। अभी आप इसको चाहें तो रन करके भी देख सकते हैं, अभी इस पर कुछ भी कोडिंग नहीं है, तो यहाँ यूज़र फॉर्म रन करके देखेंगे तो इस तरह से आएगा। तो जो भी आप डालेंगे अभी इस पर ये नॉर्मल आ रहा है, इस पर मैं चाहता हूँ वो जैसे स्टार स्टार आता है ना वैसा आए। सबसे पहले ये यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म का नाम यूजर फॉर्म वन ही रहने देता हूँ, या इसको कर देता हूँ लॉग इन फॉर्म, इनमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसका नाम हो गया, और कैप्शन में भी इसका मैं यही देख देता हूँ लॉग इन फॉर्म, ठीक है, दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में आपका सब कुछ होता है, आपका कलर क्या रहना है, बैक स्टाइल इनेबल रहना है, डिसेबल रहना है, यही प्रॉपर्टीज़ आप VBA के थ्रू भी एक्सेस करते हैं डॉट करके। तो मैं क्या करता हूँ, और इसकी प्रॉपर्टी जब हमें VBA में टेक्स्ट चाहिए होता है इसके अंदर लिखा हुआ, तो डॉट टेक्स्ट करके लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें होगा एक पासवर्ड कैर, तो पासवर्ड कैर को मैं कर देता हूँ स्टार, ठीक है। ये करने से क्या हुआ, अब ये पासवर्ड की तरह एंट्री लेगा, जैसे यहाँ पे ये लिखा और इधर ये पासवर्ड की तरह आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि वो पहले तो वो शीट में जो बटन आया तो लॉगिन फॉर्म होना चाहिए, चलना चाहिए, तो मैं इस पे लिखूँगा लॉग इन फॉर्म डॉट शो, ये मेथड है जिससे वो लॉग इन फॉर्म आएगा। तो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म आ गया, ठीक है जी। उसके बाद लॉग इन करना है हमने, तो लॉग इन में लॉग इन पे बटन पे क्लिक, हाँ हाँ, जो नेम होगा वो सिर्फ उसी से ही एक्सेस होगा ये, ठीक है। तो अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन बटन पे, तो ये अलग से कोडिंग विंडो आती है, ये खाली इसी में ही आती है फॉर्म के अंदर, ये अलग से आप देख नहीं सकते कहाँ है। जब इस किसी चीज़ पे डबल क्लिक करेंगे तो उसी पे ही खुलेगा ये, ठीक है, बटन पे या कॉम्बो बॉक्स पे या किसी पे भी, ठीक है। अब इसमें लॉगिन पे मैं करता हूँ कि इफ़ UID टेक्स्ट बॉक्स का नाम था, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हो संदीप, एंड PWD ये वो टेक्स्ट बॉक्स है, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हो 1234, ठीक है। देन देन क्या करना है, डेटा शीट थी ना, शीट्स डॉट डेट, ये डेटा डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू करना है, ठीक है, तब ये विजिबल होगी, ठीक है। और उसके बाद विजिबल करने के बाद लॉगिन का बटन क्लिक होते ही ये फॉर्म भी चला जाना चाहिए, तो इस पे होता है मी डॉट क्लोज का नहीं है,
मी का मतलब होता है करंट फॉर्म, ठीक है, क्लोज मी, ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्लोज मी या अनलोड मी कर देते हैं, अनलोड मी यूज़ होता है, अनलोड मी, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे यूज़र नाम मैंने संदीप डाला, 1234 डाला, ताकि ये यूज़र फ़ोन खुला ना रहे, बंद हो जाए। बंद हो गया, शीट ये आपकी आ गई, ठीक है। इस पे एक बटन बना देता हूँ और इस पे कर देता हूँ मैं कि लॉग ऑफ। एक्टिव एक्स कंट्रोल से यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ से डाल देता हूँ, कमांड बटन वन ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। कैप्शन में मैं डाल देता हूँ लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, ठीक है। अब ये बटन जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो लॉग ऑफ में क्या करना है, इसने शीट्स डेटा को इसने विजिबल इक्वल टू एक्सेल वेरी हिडन, तो ये वेरी हिडन कर जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ये डिज़ाइन मोड से हटाऊंगा तब मैं इस पर क्लिक कर पाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ क्लोज कर देता हूँ, तो लॉग ऑफ करते ही ये हाइड हो जाएगी शीट, ठीक है। और शीट वन पे डायरेक्ट जाना चाहिए, डिज़ाइन मोड में गया, अब इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो शीट वन को एक्टिवेट करना है, शीट वन को एक्टिवेट करना है डेटा में, डेटा में है शीट वन डॉट एक्टिवेट, ठीक है जी। और लॉगिन फॉर्म से क्या करना है, लॉगिन फॉर्म, लॉगिन, और ये जो डेटा विजिबल किया है इसको एक्टिवेट भी कर देंगे, ठीक है। डॉट एक्टिवेट, ठीक है जी। अब करते हैं लॉगिन, डिज़ाइन मोड से हटा दूँ, लॉगिन संदीप 1234, इसके बाद मैं करूँगा लॉगिन, तो ये आ गया, लॉग ऑफ करूँगा वापस इधर आ गया, ठीक है, समझ आया ये। तो मतलब इस तरह से हम यूज़र फॉर्म को यूज़ करते हैं, इनकी कोडिंग अलग अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं, जैसे लिस्ट बॉक्स में नाम डाल दिए, अलग अलग लॉगिन डाल दिए, शीट से डेटा उठा लिया, कुछ भी अलग से फॉर्म बना सकते हैं हम, ठीक है। बाकी थोड़े से कंट्रोल और दिखाता हूँ कि इसमें और किस किस तरह के कंट्रोल यूज़ होते हैं। तो अभी जैसे लॉगिन फॉर्म मैंने बनाया, मैं चाहता हूँ यूज़र नेम, मेरे पास एक यूज़र शीट हो वहाँ से उठाए, ठीक है। तो मुझे मान लीजिए कि जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे चाहिए ये कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। तो ये मैं कॉम्बो बॉक्स डाल रहा हूँ, अब कॉम्बो बॉक्स में नाम ऐड कराने, ठीक है, ताकि वो ड्रॉप डाउन से नाम सिलेक्ट कर सके। अभी ये चलेगा तो ये, अभी इसमें कुछ नहीं है, नाम इसको मुझे देना है लिस्ट, तो लिस्ट में कहाँ से दे सकता हूँ, पहले प्रॉपर्टी में जाता हूँ, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स वन इसका नाम है, या तो मैं फॉर्म के लोड होने पे कर सकता हूँ, लॉगिन फॉर्म है, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यूज़र फॉर्म जब लोड होगा या एक्टिवेट होगा, ठीक है, क्लिक नहीं, एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट एड आइटम, तो इसमें आइटम आप दे सकते हैं, यहाँ पे संदीप दे दे, फिर ऐसे ही आप प्रदीप
रवि। हरीश, ठीक है। अब इसको मैंने जब किया तो जैसे ये लोड हुआ इसमें ये नाम आ गए, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो सिलेक्टेड है उसको कैसे चेक करूँगा मैं? ये बटन का कोड मैं रहने देता हूँ, एक नया बटन कर देता हूँ, इसको साइड कर देता हूँ, एक नया बटन मैं ले लेता हूँ चेक करने के लिए। इसको मैं कर दूंगा कमांड बटन वन, नाम है नाम, कमांड बटन वन ही रहने देते हैं। टेक्स्ट इसका सब्जेक्ट डाल देता हूँ टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो जो भी यूजर फॉर्म में सिलेक्टेड डेटा होना चाहिए, मतलब कॉम्बो बॉक्स में, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट जो है वो मैसेज बॉक्स में शो कर दे, MSG बॉक्स, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कैसे चलता है ये। यहाँ से ये लिया टेस्ट, ठीक है, तो टेक्स्ट से आपका वो सिलेक्टेड आइटम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, इसमें ऐड आइटम करा सकते हैं। दूसरा ये भी, एक लिस्ट अगर एक्सेल में पड़ी हो तो वो भी दे सकते हैं, उसका नेम डिफाइन करके, जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट। सबसे बढ़िया है कि अगर यूज़र को देना है, हमें यूज़र को देना है तो इसको बेटर है टेबल बना लो। तो टेबल से एक फ़ायदा होता है, हम लोग ना इसमें आइटम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। माउस, पेन ड्राइव, चार्जर इतना छोड़ देते हैं, टेबल बना लेते हैं, इंसर्ट टेबल, हेडर है हमारे पास, ओके। तो ये टेबल वन बन गया, या इसको कह देते हैं प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट टेबल और इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ और ये प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ, तो उसका मतलब हो जाता है ये पूरी लिस्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब मैं बढ़ाता जाऊँगा, टेबल से फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो वो उस लिस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ जब मैं प्रोडक्ट बढ़ाऊँगा तो अपने आप उस लिस्ट में चला जाएगा। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, कॉम्बो बॉक्स को दूसरा कॉम्बो बॉक्स ले लेता हूँ ताकि इसकी सेटिंग ख़राब ना हो। ये कॉम्बो बॉक्स ले लेता हूँ और इसमें रो से कैसे ऐड कराते हैं वो देख लेते हैं। कॉम्बो बॉक्स टू हो गया, और इसमें होता है रो सोर्स, रो सोर्स, ठीक है। तो रो सोर्स में आप वो दे सकते हैं प्रोडक्ट टेबल ब्रैकेट में प्रोडक्ट, ठीक है, उसका एड्रेस दे दिया। एक मिनट, इक्वल टू करके कर देते हैं, प्रोडक्ट टेबल और ये प्रोडक्ट। अब शिट, रोसो प्रोडक्ट टेबल, रो सोर्स, रो सोर्स, रो सोर्स, रो सोर्स, लिस्ट रोज 8, नहीं रो सोर्स सही आता है, ये डायरेक्ट लेता है नहीं लेगा। प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट, ये अच्छा प्रोडक्ट लिखा है, जब ही नहीं ले रहा, नाम ही गलत लिखा है। चलो कोई नहीं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं लेता है कि नहीं। रो सोर्स, रो सोर्स, ठीक है, ले गया। अब इसको मैं रन करता हूँ,
आप देखोगे यही नाम जो है वो इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ क्या, चार्जर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप HDD हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये अपने आप ऐड हो रहा है, और इसको जब हम करके देखेंगे तो इसके अंदर ये ऐड मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप उसमें ऐड आइटम भी करा सकते हो, और ऐसे डेटाबेस बना के भी दे सकते हो, किसी को यूजर को देना हो कि ये आपकी सेटिंग है, ये वाले आपको लॉगिन फॉर्म में, मतलब आपने जो फॉर्म बना के दिया वहाँ पे ऐसे डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी देखना होता है हमें प्रॉपर्टीज के अंदर देखना होता है, इसको सिलेक्ट करेंगे, बस इसका नाम मेन होता है, साइज है, ऑटो वर्ड सिलेक्ट नहीं, बैक कलर, ऑटो वर्ड सिलेक्ट क्या चीज है, इसको आपको थोड़ा सा नेट पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑटो वर्ड सिलेक्ट में, हाँ ये अपने आप आ रहा है ना माउस, ठीक है। तो ये ऑटो वर्ड सिलेक्ट में क्या है कि आप टाइप करोगे अपने आप ले जाता है, ठीक है। जैसे मैंने डी दबाया, डेस्कटॉप आ गया, ठीक है। ऑटो वर्ड सिलेक्ट ये प्रॉपर्टी है, तो अपने आप एज ए सर, हाँ, नहीं, डेटा वैलिडेशन में नहीं होती, ये लॉगिन फॉर्म है, इसमें हर चीज़ के फीचर होते हैं, जो भी आपने देखे होते हैं ना नेट से रिलेटेड, वो उसमें होते हैं, ठीक है। इस पे कोई स्पेशल माउस आइकॉन आना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि यहाँ पे माउस आइकॉन, एक पिक्चर से डालनी पड़ेगी, माउस आइकॉन वैसा बन जाएगा, ठीक है। टैब की पोजीशन कौन सी होनी है, तो टैब पोजीशन भी आती है, एक मिनट, टी में होगा, टी, टैग, नहीं, टैब 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 इसमें नहीं आ रहा, होना तो चाहिए, माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर कौन सा होना है, एरो वाला, क्रॉस वाला, बीम वाला, वो है, ठीक है। तो ये फॉन्ट कौन सा होना है, ये सब आपका, ये सारी सेटिंग होती हैं, यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टैब का तो इस पे आना चाहिए ना, टैब स्टॉप, टैब इंडेक्स 6 है ना, तो जब ये इसको मैं ऑन करूँगा ना, तो छठे नंबर पे आके इसका टैब रुकेगा। आप नंबर इसका डाल सकते हो, जैसे अब यहाँ पे पहला टैब कहाँ आ रहा है, पासवर्ड में, टैब टैब टैब, तो 6 पोजीशन में उधर जाएगा, ठीक है। ये टैब की है, तो टैब की पोजीशन आप कर सकते हो अपने हिसाब से, 1 2 3 4 करके, कि पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल होता है, लिस्ट बॉक्स भी वैसा ही होता है, लिस्ट बॉक्स आपका सेम इसमें रो सोर्स कॉम्बो बॉक्स सेम ऐसा ही होता है। जैसे रो सोर्स मैं लिख दूं, रो सोर्स में मैंने लिख दिया वही वाला प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका आ गया, अपने आप वो आइटम यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इसमें हम कॉलम भी बढ़ा सकते हैं, ये एक तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि इसको मैं यहाँ कर देता हूँ इस तरह से, तो कॉलम भी हम दे सकते हैं। कॉलम कैसे देंगे, एक बार आता हूँ, कॉलम काउंट, कॉलम काउंट 1 2 कर देते हैं, और इसमें प्रोडक्ट टेबल में एक और बना देते हैं नेम का, ठीक है। और यहाँ से नेम खींचते हैं, ये नेम आ गया,
तो इसको मैं प्रोडक्ट को रो सोर्स से ही चेंज कर देता हूँ। कॉलम काउंट टू किया मैंने, रो सोर्स रो सोर्स रो सोर्स, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये माउस भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, तो आप कॉलम वाइज डेटा दे सकते हो इसमें। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सेटिंग कर सकते हो फॉर्मूले के थ्रू कि यहाँ पे कहीं आपको अदर इसमें सिलेक्ट करो और उसके बाद वो किसी सेल में चला जाए, ठीक है, और वहाँ से यहाँ पे फॉर्मूले के बेस पे डेटा चेंज हो जाए, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस तरह से चलवाते हैं इसको। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इसमें इसके अंदर आपका मल्टी सिलेक्ट भी चलता है। अलाउ मल्टी सिलेक्ट, एम 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 पे नहीं है, ए से है, ए से नहीं है, मल्टी सिलेक्ट, अच्छा इसको सिलेक्ट ही नहीं किया, नहीं एम मल्टी सिलेक्ट। तो यहाँ पे आप मल्टी सिलेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये क्या करेगा, मल्टीपल डेटा को सिलेक्ट कर सकता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ ये, ठीक है, मल्टी सिलेक्ट ये लेता है सिलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टी। सिलेक्टेड आइटम तो होता नहीं है इसमें, क्योंकि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, सिलेक्टेड आइटम का वो होता है आपके पास। अब इसमें क्या होता है, आपके पास सिलेक्टेड आइटम नहीं होता। देख लेते हैं पहले क्या था हमारा, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम, दो लिस्ट डॉट, ये लिस्ट क्या करेगा, पूरी लिस्ट उठा के दे देगा। इसको एरे में हमें चेक कराना पड़ता है, सिलेक्टेड डॉट। ठीक है, तो हम ये चेक कराएंगे कि वो लिस्ट का आइटम जो है वो सिलेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, एक लूप के थ्रू, जैसे अब सिलेक्टेड में इंडेक्स कौन सा है, सिलेक्टेड इंडेक्स 1 2 3 4 करके चलाएंगे कि कितने सिलेक्टेड हैं, और जिससे चलाएंगे उसका इंडेक्स ले लेंगे। सिलेक्टेड वन डॉट टेक्स्ट, इसका मैं ऐसे कर देता हूँ और MSG बॉक्स पे ले लेता हूँ। अब लॉगिन फॉर्म को ऑन करता हूँ कि यहाँ से मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड ले लिया, हाँ सिलेक्टेड इनवैलिड क्वालिफायर, ये आइटम सिलेक्टेड वन इक्वल टू ट्रू है कि नहीं, सिलेक्टेड, अब दोबारा देता हूँ। हाँ इक्वल टू, तो ये फॉल्स है सिलेक्टेड, यानी कि वन वन फॉल्स है। तो अब मैं, हाँ वन हमारा वन इंडेक्स है, अब मैं ऐसा देता हूँ कि टू इंडेक्स। ठीक है, अब इसको समझ आ जाएगा आपको। मैंने दूसरी वैल्यू करी है, ठीक है दूसरी वैल्यू, अब मैं इसको करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि टू जो है वो सिलेक्टेड है कि नहीं है। 0 1 2, एक सेकेंड, यहाँ से कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो ये जीरो से शुरू होता है, टू का मतलब हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू। तो हमने इससे ये पूछा है कि हमने जो टू वैल्यू है वो सिलेक्ट की है कि नहीं, जो आपके मतलब थर्ड तीसरी वैल्यू है कि जो सिलेक्ट की है कि नहीं। ठीक है, लिस्ट बॉक्स वन,
में सिलेक्टेड जो वैल्यू है उसका इंडेक्स, क्योंकि यहाँ मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, तो ये हमें पता पड़ जाएगा कि उस लिस्ट में कौन सी वाली वैल्यू सिलेक्टेड है। ठीक है, इसको एरे में चलाते हैं, अभी दिखाता हूँ। जैसे मुझे चाहिए सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, वो टेक्स्ट चाहिए, तो मैसेज बॉक्स में मैंने इसको लूप में चलाना है। फॉर आई इक्वल टू लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या देगा, टोटल काउंट देगा कि कितनी वैल्यूज हैं इसके अंदर। फिर मैं ये चलाऊंगा कि फॉर आई, फॉर से ही चलाना था मुझे, ज़ीरो टू लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट काउंट। ठीक है, तो लिस्ट काउंट से चलेगा, इसको हटा देता हूँ, लिस्ट काउंट तक चलेगा ये, जितना काउंट मिलेगा। नेक्स्ट आई, और मुझे बस इसमें ये चेक करना है, मैसेज बॉक्स नहीं, इफ लिस्ट बॉक्स वन डॉट, अब यहाँ पे मुझे वो देना है आई की वैल्यू, और यहाँ पे देना है कि अगर ये इक्वल टू ट्रू है, और या इफ में अगर वैसे ही डायरेक्ट ट्रू निकाल देता है, इक्वल टू ट्रू करने की ज़रूरत नहीं, देन एंड इफ, अब इसमें मैं कर दूंगा कि अगर यहाँ पे ट्रू आया तो मैसेज बॉक्स में इस ये हम लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट के बाद आइटम डाल देंगे कि यहाँ पे लिस्ट में वो आइटम हमारा डॉट जो भी आइटम होगा वो दे देगा हमें। हम तो नाम यहीं से निकलेगा, यही तरीका है लिस्ट करके, एक मिनट अब करते हैं। अब यहाँ से मैंने ये डाला, अब इस पर टेस्ट का बटन दबाया, चार्जर आ गया। ठीक है, अब ये क्यों है, कुड नॉट सिलेक्ट प्रॉपर्टी इनवैलिड आर्गुमेंट। अच्छा, दोबारा चला है, हाँ पहले लिस्ट काउंट 6 दिया है ना, और ये चलता है 0 से, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 से चलता है और ये आपको फुल फिगर दिखाता है गिन के, तो इस वजह से एरर आई थी। फिर से चलाते हैं, यहाँ से कुछ भी अलग ले लेता हूँ मैं, दोनों ही ले लेता हूँ। तो अब टेस्ट करता हूँ, पहले चार्जर आया फिर HDD आया। ठीक है, मल्टी सिलेक्ट को ऐसे यूज किया जाएगा। हाँ एक सेकेंड, हाँ हाँ समझ आया। तो इस तरह से एक्सेस करेंगे, और मेरे ख्याल से अगर दूसरा कॉलम एक्सेस करना है, अगर कॉलम दिया है तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स भी आ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स एक बार देख लेते हैं। मेरे ख्याल से लिस्ट 0, हाँ ये भी 0 से ही चलता है, तो 1 मतलब अगला कॉलम की वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास अगले कॉलम की वैल्यू आएगी, विकास। ठीक है, तो इस तरह से आप उस कॉलम की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो लिस्ट बॉक्स क्लियर हुआ, लिस्ट में भी ऐड आइटम वगैरह के कोड आपके चलते हैं, और क्या क्या होता है, आपका चेक बॉक्स होता है और रेडियो ऑप्शन बटन होता है।
चेकबॉक्स आपको बस ट्रू फॉल्स देता है, ठीक है, कि ये चेक्ड ट्रू है फॉल्स है क्या है, बस यही देता है। तो मैं एक और बटन बना देता हूँ, उस पर कोडिंग करूँगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ बटन क्लिक पे उसकी वैल्यू दे देते, क्या है ये, चेक बॉक्स, बॉक्स चेक्ड बॉक्स वन, नहीं ये नहीं है, नाम देख लेता हूँ क्या आ रहा है इसका, चेक बॉक्स वन, MSG बॉक्स चेक बॉक्स वन डॉट चेक्ड है, नहीं चेक्ड नहीं है, सिलेक्टेड है, वैल्यू है, वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ, और यहाँ पे अगर ये चेक्ड है तो क्या देगा, ट्रू, चेक्ड नहीं है तो फॉल्स। तो इस बेस पे हम ये चेक्ड ट्रू है फॉल्स है इसके बेस पे अलग अलग काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन आपका ये वाला होता है, वन, टू, इसका नाम टू है पर ये वन दिखा रहा है, ये टू है, ऑप्शन बटन टू वन, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, जैसे एक को हम यस कर दें एक को नो कर दें, ठीक है, यस नो, ठीक है। इस पे दिखाता हूँ ऑप्शन बटन वन और टू, इसको यहाँ से कर देता हूँ, तो हम देंगे ऑप्शन बटन वन डॉट वैल्यू, इसमें भी वैल्यू ही आती है आपकी कि ये सिलेक्टेड है कि नहीं। तो जितने ऑप्शन बटन हैं आपको चेक करने करवाने पड़ेंगे कि कौन सा सिलेक्टेड है, MSG बॉक्स, ठीक है। तो या आप इनका कैप्शन भी ले सकते हैं, एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं वैल्यू में क्या देता है, ऑप्शन बटन वन ट्रू बता रहा है, तो इस तरह से भी चला सकते हैं। और अगर ये ट्रू है तो इसका आप कैप्शन ले सकते हैं, तो वैल्यू आपको बताएगी कि आपका सिलेक्टेड है कि नहीं। और मेरे ख्याल से यहाँ से डॉट कैप्शन आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बटन वन का मैं कैप्शन गेट करता हूँ, मतलब अगर सिलेक्टेड नहीं भी है तो भी ये कैप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू उठा सकते हैं चेक करके कि इसकी वैल्यू ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बटन है, ऑप्शन बटन में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, तो आपको सिलेक्शन तो पता पड़ जाएगा इनका, पर एक चीज़ जो है वो गड़बड़ रहेगी कि मान लीजिए आपको एक और ऑप्शन बटन देना है, वहाँ पे दिक्कत करेगा थोड़ा सा। तो वहाँ के लिए हम बताते हैं ये ग्रुप बॉक्स है, फ्रेम है हमारे पास, अगर क्योंकि अगर मैं अगला ऑप्शन भी डाल देता हूँ इसके अंदर तो क्या होता है, ये एक ही पैटर्न पे चलता है, इन तीनों में से कोई एक ही चेक होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, अभी इसको हटा देता हूँ, फ्रेम के अंदर मैं डालूँगा इनको, ठीक है।
अब फ्रेम के अंदर जो ऑप्शन बटन पड़ेगा वो अलग से सिलेक्ट होगा। ठीक है, इनको करता हूँ, तो इन दोनों में से एक हो रहा है और इन दोनों में से एक हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। और क्या होता है हमारे पास इसमें, फिर आपके पास ये कमांड बटन मैंने बता दिया। कोई पिक्चर लगानी है तो इमेज सोर्स आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी चेक करेंगे समझ आ जाए। कोई वीडियो लगानी है, वीडियो का इनके आपको काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे। हाँ, टैब स्ट्रिप, टैब स्ट्रिप क्या होती है आपकी, जैसे टैब बने होते हैं ना आपके, टैब वन टैब टू, तो अलग अलग कंट्रोल प्लेस कर सकते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो अलग अलग, यहाँ पे अलग कंट्रोल प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे अलग कंट्रोल प्लेस कर सकते हैं, और टैब को हम बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, जितने टैब डालने हैं आपने। टैब 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 इसके अंदर कैसे होगा, टैब इंडेक्स 13, टैब स्टॉप 2, अच्छा, टैब स्ट्रिप 1 2, तो ये इनेबल्ड, माउस आइकॉन मल्टी रो, टैब फिक्स हाइट, टैब फिक्स विड्थ, टैब इंडेक्स, टैब स्टॉप, टैग वैल्यू 1, नीचे आओ, और इसमें होना तो चाहिए कहीं, बिहेवियर ट्रू, अपीयरेंस स्टाइल फॉर्म, टैब स्टाइल, टैब स्टाइल बटन, ओरिएंटेशन, बिहेवियर मिसलिनियस, हेल्प कंटेक्स्ट आईडी, वैल्यू तो 1 1 का मतलब क्या हो गया, 3 कर दूं, नहीं हो सकता, वो चीज़ नहीं है, ये खाली फ्रेम बनाने के लिए होता है, होगा तो सही इसका टैब का। अभी ये 2 का आ रहा है ना एक बार, अच्छा टैब स्ट्रिप 1, टैब टैब वो तो हो रहे हैं, टैब इंसर्ट कहाँ से होंगे, हाँ न्यू पेज, अच्छा राइट क्लिक न्यू पेज, ठीक है, हाँ और यहीं से रिनेम वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, वो इसका इसी में दे रखा है, बाकी में क्या होता है ना डॉट नेट वगैरह में तो इसमें अलग से होता है। अब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में खुद कन्फ्यूज रहता हूँ, हर एक का थोड़ा सा फ़र्क होता है बस। स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार लगा सकते हैं, ठीक है, पर ये स्क्रॉल बार करेगी क्या, किससे अटैच होगी, इसको एक बार वो करते, ये अभी फ्री है, इसको अटैच करना पड़ता फॉर्म के साथ। स्क्रॉल बार 1, ओरिएंटेशन फॉर्म ऑटो, फॉर्म ओरिएंटेशन वर्टिकल हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल होगा हॉरिजेंटल होगा, अच्छा 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 हॉरिजेंटल, अच्छा वर्टिकल, ये वर्टिकल वैल्यू बिहेवियर कंट्रोल सोर्स, कंट्रोल किसके साथ अटैच करना है, लॉगिन फॉर्म के साथ, नहीं यार, इक्वल टू लॉगिन फॉर्म, नहीं, एक मिनट और देख लेते हैं इसमें कहाँ है, डिले लार्ज चेंज मैक्स स्मॉल चेंज मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, हो होम स्क्रॉलिंग डिले 50, इसकी स्क्रॉलिंग कहाँ है, अच्छा अच्छा स्क्रॉल बार ये यहीं से आती है, ये जो होती है जैसे डैशबोर्ड्स में यूज़ होता है ना नंबर का,
उसी तरह से होगी, ये यहाँ नहीं होगी, ये फॉर्म में ही है आपके पास स्क्रॉल बार, वो फार्मूला बेस यूज होगी। कीप स्क्रॉल बार विजिबल फ्रॉम स्क्रॉल बार बोथ स्क्रॉल बार्स, इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल, वर्टिकल बोथ कर देता हूँ, दोनों साइड की स्क्रॉल बार आ जाएंगी। अभी जैसे ये हो गया और इसको मैं प्ले करूँगा तो ये यहाँ से एक सेकेंड, बार बोथ हाइट विद द टॉप, इसको ये करता हूँ, ये अच्छा, इसके साथ अटैच करनी पड़ती, अटैच तो हो ही पड़ी है यार। ये स्टार्टर, स्टार्टअप पोजीशन मैनुअल, मैनुअल करके देखते हैं यार, नहीं मैनुअल में भी नहीं आ रहा है, कहाँ होती है सेटिंग। चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो अगर ना मिले कुछ भी, कि और कुछ कंट्रोल चाहिए, जैसे कैलेंडर का कंट्रोल चाहिए, तो राइट क्लिक एडिशनल कंट्रोल, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पीडीएफ रीडर वगैरह ये सब कंट्रोल भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। ये आपका एक और होता है टॉगल बटन, ये टॉगल बटन ऐसे चलता है कि ये बटन ना दबा रह जाता है, ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे क्लिक करके तो ट्रू फॉल्स की वैल्यू देता है, ठीक है, ठीक है। बाकी ये काम करते करते आपको आ जाएगा ये सब भी करना, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, सेव यूजर फॉर्म, ठीक है सर।